हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगी ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ले लेंगे माप। तो माप है हमारा, लंबाई है 40 इंच, सीना है 32 इंच, कमर है 28 इंच, हिप है 36 इंच। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है। ये हमने 4 फोल्ड किया है, ठीक है। ये हमारा जो आगे का पार्ट है, ये बंद साइड है, ठीक है, और ये हमारा खुला साइड है। सबसे पहले हम ये पूरी चौड़ाई ले लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ नाप के। तो दोस्तों ये है 20.5 इंच। तो दोस्तों ये कुर्ती मैं बोट नेक में बना रही हूँ, तो सबसे पहले आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों जो हमारा नॉर्मल कुर्ती होता है, सारा चीज़ वैसे ही रहता है, सिर्फ हमको शोल्डर और नेक में चेंजेस करना पड़ता है, ठीक। सबसे पहले हम रखेंगे शोल्डर। तो शोल्डर हमें कैसे रखना है वो मैं आपको चेस्ट के हिसाब से ही बताती हूँ। तो दोस्तों इसका चेस्ट है 32, ठीक है। तो 32 का तीसरा भाग होगा 10.6, 10.6, ठीक है। अब हम उसका आधा करेंगे, ठीक है। तो उसका आधा होगा 5.3। अब हमको क्या करना है, हम उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमको बोट नेक बनाना है। नॉर्मल जो नेक रहता है उसमें हम 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, और बोट नेक में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 5.3 में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो कितना होगा, 6.8। तो हम सबसे पहले एक निशान 6.8 पे लगा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक निशान हम 6.8 इंच पे लगा लेंगे, ठीक है। 6.5 से 3 पॉइंट ज़्यादा यहाँ लगा लिया हमने। अब हमको आर्म होल लेना है, तो जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हम आर्म होल भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एक निशान हम 6.8 पे लगा लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगा देंगे। तो चेस्ट है 32, तो 32 का फोर्थ पार्ट कितना होगा, 32 का चौथा भाग 8। तो यहाँ हम एक निशान 8 पे लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमको क्या करना है, यहीं से हम कमर का भी निशान लगा लेंगे। तो कमर का निशान हम 14 इंच पे लगाएंगे। तो दोस्तों यहीं से हमने एक निशान 14 पे लगा लिया, और यहीं से हम शोल्डर की ही साइड से हम यहाँ पे भी एक निशान हिप की साइड लगा लेंगे। तो हिप का निशान हम 21 पे लगाएंगे। दोस्तों एक निशान हमने 21 पे लगा लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पे अब हम कमर की मार्किंग कर लेंगे। तो कमर है 28, तो 28 का चौथा भाग 7, ठीक है। तो यहाँ 7 पे हमने एक निशान लगा लिया। अब हमको क्या करना है, ये जो हमारा हिप है, हिप का फोर्थ पार्ट, और यहाँ भी हम एक सीधा निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये निशान हमने लगा लिया है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस निशान को इस निशान से और इस निशान को इस निशान से मिला देना है अच्छे से। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो अब हम 0.5 इंच यहाँ पे लूजिंग ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको हम 0.5 इंच यहाँ से हम लूजिंग ले लेंगे। तो दोस्तों अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो हमारा ओपन साइड है यहाँ पे हम 0.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब हम इसको हल्का सा कर्व दे देंगे ताकि कोना जैसा नहीं निकला रहे। तो दोस्तों इस स्केल की हेल्प से हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये निशान हमने लगा दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम तिरछा इस तरह से यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से तिरछा हम
वहाँ से मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब हमको 1.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है, आधा इंच हमने लूजिंग लिया और 1.5 इंच का हमको मार्जिन लेना है। तो दोस्तों यहाँ हम ऐसे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे अब हम ऐसे तिरछा जोड़ देंगे, ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। दोस्तों ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, अब हमको क्या करना है, अब ये है हमारा शोल्डर, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो हम इस 1 इंच इस तरह से एक इंच पे हम निशान लगा देंगे और हम इसमें गोलाई में शेप दे देंगे। तो हम इस तरह से इसमें शेप दे देंगे। तो दोस्तों आर्म होल में हमने शेप दे दिया, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको गले की मार्किंग कर लेनी है। तो गला दोस्तों हम बोट नेक बना रहे हैं और साइज भी छोटा है, मतलब कि 32 है, तो हमको क्या करना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक निशान 3.5 पे लगा लूँगी, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से भी एक निशान मैं 3.5 पे लगा लूँगी, ठीक है। अब दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं इसमें गोलाई में शेप, तो दोस्तों ये हमने गले में गोल शेप दे दिया। तो दोस्तों अब ये हमारा ए लाइन कुर्ती का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम थोड़ा सा शोल्डर को झुका देंगे, ठीक है, हल्का सा, इस तरीके से। तो दोस्तों हमारी ए लाइन कुर्ती की ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करते हैं। दोस्तों गला जो है हमारा आगे और पीछे सेम ही रहेगा, ठीक। तो हम नेक से कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस तरह से। कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, अब हम क्या करेंगे, अब हम कमर में और हिप की साइड हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से पकड़ के, ठीक है। ये देखिए हम यहाँ पे हल्की सी मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ ये हिप का जो पार्ट है यहाँ पे भी, ताकि सिलते समय हमको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज ये देखिए, ये हमारे ए लाइन कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। इसका स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।